हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आलोक कुमार यादव। आज के हम इस ऑनलाइन वीडियो में इंग्लिश के प्रोज से चैप्टर वन का रेफरेंस एंड एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड यूपी बोर्ड एग्जाम्स एंड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम एंड अदर बोर्ड एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को समझने के लिए अंत तक जरूर देखें और इससे प्रीवियस की वीडियो भी देखें, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देखें जाके। यदि वीडियो समझ आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन पर, जिससे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेनेशंस। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस, अर्थात इनमें से कोई हमको एक करना होगा और ये 10 मार्क्स का आता है। तो आज की वीडियो में हम यही 10 नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम 10 नंबर अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देते हैं ए बी सी दिया हुआ है, आप कोई भी एक करना होगा, तो मैं यहाँ पे ए करूँगा और आप बी और सी अभ्यास करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण पैसेज है। देन सर्वप्रथम हम लोग उस पूरे स्टैंजा को अर्थात पैसेज को हम इस तरह लिख देंगे, आई टोल्ड डॉट 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 सिटीजनशिप, अर्थात पहले का 2-3 अक्षर और अंत का 1-2 अक्षर। एंड रेफरेंस, रेफरेंस लिखेंगे, रेफरेंस दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। जिस प्रकार से हम हिंदी में संदर्भ लिखते हैं, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर रेफरेंस लिखना होता है, और वहाँ पर लेखक का नाम और पाठ का नाम, तो यहाँ भी उसी प्रकार से पाठ का नाम टाइटल एंड रिटन बाय, अच्छा लेखक का नाम जिसके द्वारा लिखा गया है, विलियम सी डगलस। कॉन्टेक्स्ट, द राइटर वाज हाईली इम्प्रेस्ड बाय द सेल्फ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर ऑफ द लिटिल रिफ्यूजी गर्ल, अर्थात उस छोटी बच्ची के सेल्फ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, खुद का सम्मान, अर्थात लेखक उस लड़की के व्यवहार से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, प्रभावित हुआ, तो उसी को हमको यहाँ पे लिखना है। कॉन्टेक्स्ट का अर्थ मतलब है कि संक्षेप में लिखना, जो बात हम एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे उसको हम संक्षेप में यहाँ पे लिखें। और इसके बाद अब एक्सप्लेनेशन, द रिस्पेक्टफुल मैनर, द पर्सनालिटी ऑफ द पुअर रिफ्यूजी गर्ल हैड सो मच इम्प्रेस्ड टू द राइटर दैट इट ही टोल्ड टू पीटी नेहरू। देखिए, एक्सप्लेनेशन का अर्थ होता है कि जो आपने समझा, अर्थात पाठ पढ़ने के बाद जो आपने अपने शब्दों में समझा, उसे यहाँ पर लिखना है। रिस्पेक्टफुल मैनर, सम्मानजनक ढंग, द पर्सनालिटी ऑफ द पुअर रिफ्यूजी गर्ल, वो जो गरीब लड़की थी उसकी जो पर्सनालिटी, जो व्यक्तित्व था, हैड सो मच इम्प्रेस्ड टू द राइटर, वो राइटर को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया कि ही टोल्ड टू पीटी नेहरू, इसलिए उसने प्रधानमंत्री को बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इट वॉज वन रीज़न टू लव इंडिया, अर्थात लेखक कहता है कि मेरे लिए बस केवल एक ही कारण था कि मैं इंडिया से प्यार कर बैठा, इसने कर बैठा। द राइटर फाउंड डैट, राइटर ने पाया कि, द राइटर फाउंड डैट वेदर द कॉमन विलेजर्स आर द टॉप ऑफिसर्स वी हैव डिसेंटली, वेदर द कॉमन विलेजर्स, चाहे वो समान गांव वाले क्यों ना हो,
और या द टॉप ऑफिसर, चाहे वो ऊंचे पद पर क्यों ना हो, बिहेव डिसेंटली, उनका जो व्यवहार है वो एकदम बराबर है। दे हैव अ गुड सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, और उनके अंदर खुद के सम्मान की एक अच्छी सेंस था। अर्थात वो लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, बट उन्हें अच्छे मैनर पता थे। अर्थात वे गर्व महसूस कर रहे थे, प्राइड फॉर न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। दे आर प्राउड सिटीजन्स ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। न्यूली मतलब नया नया ही वो राज्य अर्थात भारत स्वतंत्र हुआ था, फ्रीडम हुआ था। तो ये एक्सप्लेनेशन पूरा हुआ। तो इसी प्रकार से और आप कर सकते हैं, बाकी के जो दो बच्चे थे वो आप कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।